नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज के वीडियो में हम कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड शेयर का डिटेल्स में टेक्निकल एंड फंडामेंटल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस में उसका एक मल्टीयर का आने वाले टाइम में ब्रेकआउट आ सकता है, जिस टाइप का प्राइस सेटअप शो कर रहा है। तो किस टाइप का मूवमेंट हो सकता है, क्या रिस्क रिवॉर्ड बनेगा, डिटेल्स में अभी हम एनालिसिस करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट विजार्ड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस स्टॉक का जो मार्केट कैप है अराउंड 3732 करोड़ का, कंपनी के पास रिजर्व कैश है 1645 करोड़ का, करंट प्राइस चल रहा है 667 का एंड इसका जो बुक वैल्यू है 296, तो प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे बन रहा है 2.25 का। इंडस्ट्री पे यहाँ पे चल रहा है 38 के आसपास एंड स्टॉक का पे यहाँ पे अवेलेबल है ओनली 12 के ऊपर। इंडस्ट्री पे का बहुत ही नीचे यहाँ पे स्टॉक का पे अवेलेबल है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 60% जो कि पॉजिटिव साइन है, अबव 50% मार्क है एंड डेप्ट इक्विटी है जीरो डेप्ट कंपनी है जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 3%, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न 7% एंड लास्ट 1 ईयर का रिटर्न 31%। लास्ट 5 ईयर से स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है एंड प्रोबेबिलिटी हाई है कि जैसे ही प्राइस एक शॉर्टन लेवल को ब्रेक कर देगा, आने वाले टाइम में बड़ा ब्रेकआउट एंड मल्टीयर का ब्रेकआउट आ सकता है एंड स्टॉक का प्राइस यहाँ से भी डबल हो सकता है। वो लेवल क्या बनेगा आगे हम डिटेल्स में चार्ट में एनालिसिस करेंगे। अगर अभी हम यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे, सेल्स देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहा है, जैसे कि हमेशा से जून क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे सेल्स आता है और नेट प्रॉफिट आता है। देखिए जून 23 में 736 करोड़ का, जून 22 में 686 करोड़ का, जून 21 में 630 का एंड जून क्वार्टर को अगर आप छोड़ देंगे, बाकी जितना क्वार्टर है हमेशा से 100 से 150 करोड़ के बीच में सेल्स आता है। जैसे कि सितंबर में यहाँ पे 171 करोड़ का सेल्स आया है जो कि सबसे हाईएस्ट है एंड नेट प्रॉफिट भी एग्जैक्टली उतना ही है, 14 करोड़ का शो कर रहा है। अभी हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। देखिए प्रोमोटर यहाँ पे होल्डिंग कर रहे हैं 59.9%, FI यहाँ पे शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत एक पॉजिटिव साइन है एंड FI के पास माल 17.7%, DI होल्ड कर रहे हैं 4.58% एंड पब्लिक होल्ड कर रहे हैं 16.36% जो कि मैनेजेबल है। किसी भी स्टॉक में रिटेल पार्टिसिपेशन बिलो 20% आप उसको मैनेजेबल बोल सकते हैं एंड यहाँ पे तो रिटेल ओनली होल्ड कर रहे हैं 16% जो कि एक गुड साइन है। लेकिन सबसे जो बेस्ट थिंग यहाँ पे बन रहा है वो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर। यहाँ पे एक मल्टीयर का ब्रेकआउट आने वाले टाइम में आ सकता है अगर प्राइस एक शॉर्टन लेवल को ब्रेक कर लेता है तो चलते हैं चार्ट के ऊपर। अभी आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है ये ओपन है कावेरी सीड कंपनी का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है वीकली, जैसे कि 2007 में प्राइस यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन किया था एंड 2007 से अप टू 2015 प्राइस यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड एस्टेब्लिश किया था एंड 2015 में टॉप बन जाने के बाद लास्ट 8 ईयर से देखिए प्राइस यहाँ पे एक रेंज के अंदर यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था एंड फाइनल देखिए प्राइस यहाँ पे जो मल्टीयर का 8 ईयर्स का जो रेंज कंस्ट्रक्ट किया है उसको ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो रहा है एंड वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन को तैयार हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो चार्ट सेटअप बना है, मल्टीयर का जो ब्रेकआउट आएगा जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे जो स्विंग हाई बनाया है 695 लेवल को ब्रेक करेगा, इस लेवल को ब्रेक करना इम्पोर्टेंट है तभी जाकर प्राइस यहाँ पे हायर हाई फॉर्मेशन क्रिएट करेगा। जैसे कि स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 667, जैसे ही स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 695 इस लेवल को ब्रेक कर देगा यहाँ पे एक बार मल्टीयर का ब्रेकआउट आ जाएगा, उसी केस में जो उसका प्रीवियस स्विंग लो रहेगा वो रहेगा एग्जिट पॉइंट बिलो 580। अगर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 695 लेवल को ट्रिगर कर देने के बाद 580 लेवल को ब्रेक करेगा तो अभी जाकर चार्ट सेटअप यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा। देखिए अभी तक स्टॉक का चार्ट सेटअप बुलिश हुआ नहीं है, ये चार्ट सेटअप तभी बुलिश होगा जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे 695 इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो 695 लेवल के ऊपर फोकस रखिएगा, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे एक बार बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है एंड नेक्स्ट टारगेट बनेगा इसका लाइफ हाई जो कि बन रहा है 1050। ये लेवल को जाकर प्राइस टेस्ट कर सकते हैं एंड इसका टारगेट बनेगा 1050 एंड ये चार्ट सेटअप इनवैलिड हो जाएगा बिलो 580। देखिए अभी तक बुलिश हुआ नहीं है, बुलिश होगा अबव दिस स्विंग है 695। मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे।
उसके साथ अगर यहाँ पे हम रास्टो चार्ट देखेंगे, रास्टो चार्ट देखेंगे रेंज के अंदर फंसा हुआ है। रास्टो चार्ट से ऐसा कुछ सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है, जो भी यहाँ पे सिग्नल देखने को मिल रहा है प्राइस से। तो यहाँ पे रास्टो चार्ट देखेंगे तो रास्टो चार्ट भी देखिए डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, जैसे ही प्राइस हमेशा से चैनल को फॉलो करता है इस चैनल के अंदर अभी भी ट्रेडिंग कर रहा है। तो रास्टो चार्ट से कुछ भी सिग्नल नहीं है, जब रास्टो चार्ट से सिग्नल मिलेगा हम फिर से और एक अपडेट वीडियो बनाएंगे कि किस टाइप का सेटअप शो कर रहा है। अभी के लिए तो कुछ साइन नहीं है रास्टो चार्ट से। एंड एज यूजुअल हमेशा से आपका क्वांटिटी को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।